सो हेलो एफ एफ आर्मी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो गाइज ये हमारा एक नया इवेंट आ चुका है जिसका नाम है दिमित्री टॉप अप इवेंट। सो गाइज ये इवेंट हमारे फ्री फायर के अंदर आ चुका है और गाइज ज़्यादातर बंदे इस टॉप अप इवेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये जो टॉप अप इवेंट है इसको निकालने के लिए आपको 200 डायमंड का टॉप अप करना पड़ेगा, तभी आपको ये कैरेक्टर मिल पाएगा। और गाइज निकालने से पहले सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये कैरेक्टर आपके किस काम में आने वाला है, मतलब जो आपके फ्री फायर के अंदर बाकी कैरेक्टर्स हैं क्या यह उनसे अच्छा होने वाला है। जैसा कि हमारा डीजे अलोक हो गया, वो आपको एचपी के साथ मोमेंट स्पीड देता है, और उसी के साथ साथ गाइज हमारा क्रोनो कैरेक्टर हो गया, वो आपके लिए एक शील्ड तैयार करता है। और गाइज हमारा वो कॉन्ग कैरेक्टर हो गया, तो गाइज और जैसा कि हमारा स्काइलर कैरेक्टर भी है, तो गाइज ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे एक्टिव एबिलिटी के अंदर आते हैं। तो गाइज ये भी हमारा एक एक्टिव एबिलिटी के अंदर कैरेक्टर होने वाला है। तो गाइज आज इस वीडियो में हम इस कैरेक्टर के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि ये हमारे किस काम में आने वाला है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैरेक्टर हमें किस काम में आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले नंबर वन पर हम बात करते हैं कि ये कैरेक्टर आपके किस काम में आने वाला है। तो गाइस ये कैरेक्टर ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको आप अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, अपने आप को सेल्फ रिवाइव भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पर म्यूजिक का आइकॉन दिख रहा है, तो गाइस ये इसका मतलब एट्रीब्यूट है जो एक एक्टिव एबिलिटी के अंदर आता है। तो गाइस इसको आपको एक्टिवेट करना है और यहाँ से चले जाना है, मतलब जो आपका टीममेट नॉक होगा उसके पास यहाँ से आप लोग चले जाओगे, तो गाइस वो ऑटोमेटिक वहाँ उसी जोन के अंदर रहेगा और तो वो रिवाइव हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर जो बंदे थे वो सभी के सभी रिवाइव हो चुके हैं। तो गाइस ये थी फर्स्ट ट्रिक। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ट्रिक। तो गाइस यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रिक के रूप में, ठीक है। तो गाइस ऐसा है, इस कैरेक्टर को आप एक ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब कि इसकी एबिलिटी को एक्टिव करना है आपका जो प्लेयर डाउन होगा उसके ऊपर। और गाइस आप अगर वहाँ से चले भी जाते हो तो गाइस वो कैरेक्टर जो है आपके जो बंदे डाउन होंगे उसको यहाँ पर देख सकते हो रिवाइव कर देगा। तो गाइस यहाँ पर ये एक एबिलिटी हो जाती है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो गाइस आप लोगों को इसको निकालना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और गाइस नंबर थ्री पे बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखते हैं हम लोग खुद ही डाउन होंगे। तो गाइस ये इससे डाउन होने से पहले हमें इस जो एबिलिटी होती है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो कैरेक्टर है, और अगर हम डाउन होंगे तो गाइस वहाँ पर हमको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि रिवाइव होना है या नहीं। तो गाइस बेसिकली सभी बंदे रिवाइव ही करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सभी के सभी बंदे रिवाइव हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर ये आपको 3-3 HP भी प्रोवाइड करता है जब तक आप उस जोन के अंदर रहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा मतलब कि बंदा है डाउन हो चुका है, और गाइस ये जोन से बाहर है, जो हमारा ये जोन है कैरेक्टर जोन उसके बाहर है। अभी गाइस जैसे ही ये अंदर आएगा तो गाइस ये रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगा, और देख सकते हो गाइस ये अंदर आया और ये रिवाइव होने लगा है, और यहाँ पर ये जो हमारा कैरेक्टर है तो वो उसको रिवाइव कर दिया और ये खड़ा हो गया। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आप इसको कर सकते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग घर के नीचे भी रहते हो ना तभी भी ये आपको मतलब कि तब भी ये आपको रिवाइव कर देगा। और गाइज़ ये 45 HP प्रोवाइड करता है टोटल, जो कि आपको 15 सेकंड तक 3-3 HP यहाँ पर देता है, और आपकी टोटल जो HP होती है वो यहाँ पर 45 HP जो कि आपके सभी टीममेट्स को दी जाती है, ठीक है। आप इस जोन के अंदर जितने भी आपके टीममेट रहेंगे सभी को ये मिल जाएगी। और अभी हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मतलब इसकी ट्रिक की या एट्रीब्यूट की। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि बंदा नीचे हमारा डाउन होता है और हम उसको यहाँ पर ऊपर से रिवाइव कर सकते हैं। तो गाइज़ ऊपर देख सकते हो यहाँ पर इस कैरेक्टर को एक्टिव किया गया, और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो जो हमारे सभी बंदे हैं, सो गाइस वो देख सकते हो रिवाइव हो चुके हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होने वाला है ये हमारे फ्री फायर के अंदर, और यहाँ पर ये आपको HP प्रोवाइड करता है। तो गाइस इसलिए ये डीजे लोग को भी मतलब कि एक तरफ से फेल ही कर देता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप इसको इस कैरेक्टर के साथ में इसको एक्टिव करके अगर ड्राइव करोगे तो गाइस वो ड्राइव का ऑप्शन चला जाएगा, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर से बैक जाना है, फिर से इसके पास आना है, फिर से आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो गाइस ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और गाइस आप लोग सोचते हो कि इसको टैप करके आप लोग जिपलाइन पकड़ लोगे, तो गाइस ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो जिपलाइन का भी बटन हट जाता है, तो फिर से आपको पीछे आना है, फिर से जिपलाइन पे जाना है, फिर आप इसको यूज़ कर पाओगे। ये जो रिवाइव जोन है ना वो उसी जगह पे रखा रहता है, आपके कैरेक्टर के साथ में नहीं जाता है, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो कैरेक्टर है ना, तो ये आपके एक ही जगह पे खड़ा रहेगा और स्टेबल रहेगा, आप उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऊपर बंदा डाउन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे बंदे ऊपर डाउन है और इनको चल के हम लोग नीचे से रिवाइव करते हैं। तो गाइस नीचे से अगर आप लोग देखते हो तो ये बंदे जो हमारे नीचे से भी रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि इस जोन के ऊपर नीचे किधर भी रहेंगे तो गाइस बंदे रिवाइव हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो एक्टिव हो चुकी है, और ये हमारे ऊपर बंदे जो भी दो बंदे डाउन थे तो गाइस वो लोग ऑटोमेटिक रिवाइव हो चुके हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और आप लोगों को इसको निकालना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये एक फायदेमंद कैरेक्टर गाइस 200 डायमंड के अंदर यहाँ पर आया हुआ है। तो गाइस अगर आप लोग को बंडल निकालना है तो बंडल निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस और गाइस यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो वाटर के अंदर आप इसको अगर यूज़ करते हो तो गाइस ये भी आपको HP प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आपको इसी जोन के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। इस जोन के अगर आप लोग अंदर रहते हो तभी आपको ये HP प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करने वाला, क्योंकि
ये एक जगह पर मतलब स्टेबल हो जाता है। और गाइज़ यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को यूज़ करते हो तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके क्लश स्क्वाड मोड में। तो गाइज़ क्लश स्क्वाड मोड में आप इसको यूज़ करके एक जगह पर कम करके बंदों को मार सकते हो, और उसके बाद अगर आपको बंदा डाउन भी कर देता है तो गाइज़ उसको यहाँ पर से आप अपने आप को सेल्फ रिवाइव भी कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को सेल्फ रिवाइव भी कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि बंदे उधर साइड हमारे कंटेनर के अंदर डाउन थे और इधर से ही यहाँ पर ये बंदे रिवाइव हो चुके हैं। तो गाइज़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। गाइज़ आप लोगों को ये निकालना चाहिए। तो गाइज़ आपको ये कैसा लगा वीडियो, तो गाइज़ वीडियो को आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। तो गाइज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी ज़्यादा वीडियोज़ पाने के लिए।